अस्सलामुअलैकुम, मैं नाइला फ्रूक। आज मैं आपके साथ फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चले आइए देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त वायर हो रहा है। एक कप मैंने मैदे का लिया है, आधा कप मैंने आइसिंग शुगर, आधा कप मैंने बटर का लिया है और साथ में ये मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं और दो अंडे लिए हैं। वनीला लहसुन का मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और एक मैंने कॉर्नफ्लावर का टेबल स्पून लिया और एक टेबल स्पून मैंने ड्राई मिल्क का लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर। तो चले आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बटर। मेरे पास वो है, इसको मिक्सर जो है वो मैं मिक्स करूँगी, इससे आप उसे भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इसमें चीनी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, हमारे चीनी और बटर हो गए। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडा डालेंगे ऐसे ही तोड़ के, क्योंकि बाज़ का पता है अंडा तोड़े तो ख़राब भी निकल सकता है, तो इसलिए एक एक करके डालें। ये मैंने इसको ना छान के रखा हुआ है, मैं देखूँ थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। फिर थोड़ा करके और डालेंगे। भी डाल देंगे और साथ में मैंने ये देखें ये एक मिल्क पाउडर का टेबलस्पून लिया है, वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनीला लहसुन डालूंगी। बिस्मिल्लाह। और ये साथ में मैंने कॉर्नफ्लावर का ये टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें, और बाकी मैं इसमें ये सारे जो ड्राई फ्रूट हैं, अब मैं इसको एक ही प्याली में करूँगी। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हुए थे। ये देखिए, करके इसको लास्ट पे डालूंगी। ये देखिए, ये ले जी, ये मेरा हो गया।
ये देखिए जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तो हो गया। अब ये सारे मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह, अब मैं इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी। बिस्मिल्लाह, अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, तो उसको सेट कर लूं ट्रे को। मैं आपको भाई मौसम दिखाती हूँ, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मौसम है, बारिश हो रही है, हर तरफ ग्रीनी ग्रीनी सी है माशाल्लाह। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह मौसम हो रहा है। अब मैं इसको ग्रीस कर लूं पैन को। बिस्मिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये केक, चाय के साथ बहुत मज़ा आता है खाने में। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने कर लिया, इसमें मैं बटर पेपर बिछाऊंगी। देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से बिछा लिया और ग्रीस भी कर दिया पेपर को। चलिए अब हम इसमें अपना ये डालेंगे। मेरे पास वेट अच्छा था तकरीबन ये 11 इंच का, लेकिन ये जो बेटर मैंने बनाया ये 6 इंच 7 इंच के भी ट्रे में अच्छी तरह से आ जाएगा। इसको ज़रा ताकि कोई बबल वगैरह तो निकल जाए इसमें। चलिए देखें मैंने इसको सेट कर लिया, अब हम अपने ओवन में रखेंगे जो मैंने 180 पे प्रीहीट किया हुआ है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर मैंने इसको रख दिया उसमें। ये तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे इसको पकने में। यहाँ पे मैंने अपने ग्रीन टी बनाने के लिए पानी रखा है, ये देखें। हाँ, इसमें मैं एक छोटी इलायची डालूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ग्रीन टी। एक इलायची डालूँगी, दो से एक चुटकी लगा लें उसकी
सौंफ की डालूंगी इसमें, ये देखें तकरीबन 80 स्पून के करीब मैं डालूंगी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त कावा बनता है। समोसे में तो आपको पता है, थोड़ी सी इसकी फ्लेम में हाई करूंगी, थोड़ी सी मीडियम हाई करूंगी। ये देखे बड़ी मज़े की बनती है। मैं तो इसमें ज़्यादातर ब्राउन शुगर या गुड़ ले लेती हूँ, गुड़ शामिल करती हूँ थोड़ा सा, जितना मुझे पसंद हो मीठा पीना उतना। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है। पाकिस्तान में तो वैसे भी सर्दी है, सर्दियों में कावा चाय बहुत चल रही होती है। ये कावा मेरा बन गया। अब ये देखें, ये मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दिया, और भी इससे स्लो पे करूँगी। अब ये देखें, मैं इसमें ना जो जिंजर के जो पीस है ना, ऐसे ही ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये अब मैं इसको बिल्कुल ही स्लो पे कर दूँगी। ये देखें, मैं आपको फ्लेम दिखाती हूँ, ये बिल्कुल स्लो पे। अभी मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे रखूँगी, फिर मैं उसमें केतल में डाल दूँगी। जो आए इसको एक दफ़ा चेक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। एक दफ़ा चेक कर लें। सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए मैं और रखूँगी, फिर निकाल लेती हूँ। मैंने वो देखें ग्रीन टी अपनी वो रख ली हुई है। अब बस केक का वेट कर रही हूँ, केक निकलेगा फिर हम अपनी ग्रीन टी भी पियेंगे। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आता है खाने में। चलें जी, ये मेरा अलार्म हो गया, अब मैं इसको निकाल लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, ये देखें माशाल्लाह। अब मैं इसको इधर रखूँगी क्योंकि अभी बहुत ही गर्म, बहुत गर्म है। देखें ज़रा, जितना भी नहीं साथ में चिपका है तो संता। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी हमारा। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का बना है, ये देखें। अभी चलें जी, ये देखें हमारा मज़ेदार सा जो केक है वो तैयार हो गया। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त बना है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, माशा को दूंगी। हमें ये थोड़ा गरम गरम खाने का बहुत मज़ा आता है।
बादशाह आप ट्राई करो। साथ में आप लोगों को केक फ्रूट केक ट्राई करके दिखाओगे कि टेस्ट कैसा बना। बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है। देखें बाहर का मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है माशाल्लाह। यकीन करें कि चाय पी एक ये ग्रीन टी पीने का भी और केक खाने का भी मज़ा आएगा। आप लोग भी ज़रूर इसको बनाएं, इंजॉय करें। साथ में मैंने ग्रीन टी बताई है वो पिएं। तो बाकी जो मेरे चैनल पे नए हैं मुझे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ज़िंदगी तंदरुस्ती दे और ढेरों खुशियां दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।